सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस से की नोकझोंक, अतिक्रमण पर सरकार का वार। इन दिनों हल्द्वानी शहर में लगातार अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। कब्जाधारियों से सरकारी जमीन छुड़वाने के लिए बुलडोजर की भी मदद ली जा रही है। वहीं वनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसे को नगर निगम ने कुछ दिनों पहले नोटिस दिया था। सरकारी जमीन पर बने इस मदरसे के कागजात भी मौजूद नहीं है, जिसके बाद प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई शुरू कर रही है। शनिवार को जब नगर निगम, प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस फोर्स क्षेत्र पर सुरक्षा देखने और क्षेत्र की मॉनिटरिंग करने पहुंची, तो वहां सैकड़ों लोग जमा हो गए, जिन्होंने पुलिस से काफी लंबी बहस की। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासन के लोग मौजूद थे। सड़कों पर उतरे लोग जोर जोर से विरोध करने लगे। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि कई लोगों को लग रहा है कि ये धार्मिक जगह है, बल्कि ये सरकारी संपत्ति है। देखिए, जो नगर निगम की नजूल भूमि है, उस पर नगर निगम ने नोटिस दिया था। उस पर एक संरचना बनी थी जहां इन लोगों का कहना है कि ये नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन मौके पर उसमें मस्जिद जैसा स्वरूप उसका नहीं है, मदरसा है। और उसमें नगर निगम ने इनको 3 दिन का टाइम दिया था कि इनके पास जो भी अभिलेख हों वो दिखा दें। तो कोई भी अभिलेख जो संबंधित जिसकी भूमि जो अपनी बता रहा है, और उसके द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो इसमें नगर निगम ने तुष्टीकरण पारित किया है, जिसमें कि कल तिथि है। और इसी के क्रम में आज शांति व्यवस्था को बनाए रखने और लोगों से अपील करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। मेरी भी आप सभी के माध्यम से लोगों से ये अपील है कि किसी भी तरीके से किसी अफवाहों पर ध्यान मत दें। ये एक सरकारी संपत्ति थी जिस पर उस व्यक्ति ने अपना कब्जा करने के लिए इस तरीके का एक संरचना को बनाया है, जिसको नगर निगम अपने कब्जे में उसने लिया है। स्थानीय लोगों ने वहाँ विरोध भी किया है। देखिए, उन लोगों को अभी पूरी बात पता नहीं है इस तरीके से कि ये किस प्रकार की भूमि है। उनको ऐसा लग रहा है कि एक धार्मिक स्थल है, ऐसा नहीं है। ये सरकारी भूमि पे बना हुआ है, इस वजह से इस पर ये कार्रवाई की जा रही है। भारी पुलिस बल ने लोगों को समझाने बुझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सड़कों पर उतरे लोगों ने एक ना सुनी। पुलिस के मुताबिक पूरे क्षेत्र की ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है और तमाम अतिक्रमण की जमीन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस तरह से नगर निगम ने ध्वस्तीकरण कर लिए, आपने आदेश जारी किया, उसके बाद हमारा जो पुलिस बल है वो पूरा तैयार है। पूरे ज़िले की पुलिस मुख्यतः हमारे सभी जिलों थानों से आ चुके हैं, सारे SOs आ गए हैं। बाकी हमने बाहर से भी फोर्स डिमांड की है, वो अभी आज शाम तक पूरा का पूरा यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। अभी हमने जो फ्लैग मार्च किया है, उससे क्षेत्र में फोर्स का आकलन हमारा हो गया है। अधिकतर जो फोर्स है हमारा पूरा बनभूलपुरा क्षेत्र में पूरा जिले का उपलब्ध रहेगा। क्या ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है? बिल्कुल, इसमें 4 ड्रोन हमने मांगे हैं, 4 ड्रोन है। और हर जगह के जो भी हमारे पास कॉर्नर्स हैं, जहाँ पे पिकेटिंग आउटर गार्डन है, वहाँ पे भी हमारी वीडियोग्राफी प्रॉपर चलेगी, और जो पूरा मूवमेंट है उसका पूरा का पूरा विवरण हमारे पास। अराजक तत्वों से निपटने के लिए तैयार है पुलिस, अगर कोई घटना? बिल्कुल, इसमें हमारी गिरफ्तारी टीम भी है, इसमें हमने पिकेटिंग भी करवा रखी है, इसके बाद हमने सशस्त्र पुलिस के साथ भी हमने इसमें फोर्स लगवाया है। हमारा पूरा दंगा नियंत्रण जो गियर है उसके साथ भी हमारा पुलिस बल इसमें मौजूद है। सैकड़ों की संख्या में बनभूलपुरा में लोग सड़कों पर उतर गए थे, तो ऐसे में शांति व्यवस्था बनाने के लिए मौके पर ही पुलिस जवान और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। आपको बता दें कि पिछले कई वक्त से लगातार ही अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का बुलडोजर लगातार अतिक्रमण हटाने में लगा है और अभी तक कई जिलों में ये काम किया जा चुका है। हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।